वेलकम बैक गाइस, स्वागत है आप लोग का एक और दिन में। अभी यार हम लोग ने एक पार्टी में आए हुए थे। यहाँ भाई ये एक मेरे दोस्त का घर है, काफ़ी बड़ा घर है यार। यहाँ देख सकते हो बहुत सारी गाड़ियाँ भी आपको दिखाई दे रही होंगी। ये दो गाड़ियाँ यहाँ रेड कलर की गाड़ियाँ, तो ये जो रेड वाली गाड़ी है ना, ये भाई यही मेरे दोस्त ने लिया है। तो गाइस इसी के खुशी में ये पार्टी दे रहा था। बाकी गाइस अंदर भी काफ़ी मस्त पार्टी वार्टी हो रही है, लेकिन अब हम लोग यहाँ से वापस चलते हैं। हम लोग भाई काफ़ी देर से इसी पार्टी में ही हैं, तो गाइस अब निकलते हैं हम लोग फटाफट अपने घर पे। टाइम देख लें यार एक बार कितना बज गया है, एंड यहाँ पे 12:30 हो चुके हैं और हम लोग तो यार सुबह से आए हुए हैं। क्यों सिंचन? हाँ फ्रेंड भैया, हम लोग तो सुबह 8 बजे आ गए थे। हाँ बिल्कुल भाई, 8 बजे से सोचो 12:30 बज चुके हैं, बहुत टाइम हो चुका है। तो अब हम लोग यार जल्दी से घर पे निकलते हैं अपने। एंड गाइस यहाँ पे हमने अपनी कार को घुमा लिया। ये भाई मैंने नई कार अभी ली है, मैंने भी भाई छोटी मोटी कार ऐसे ले ली है जैसे वो लिया था, लेकिन उसने तो भाई एक गजब की सुपर कार ली है। तो चलो गाइस अब जल्दी से हम लोग अपने घर पे चलते हैं। हालांकि यार खा पी करके ना तो एकदम पेट वेट भर चुका है, अब बस घर पे चल के भाई मस्त यार सो जाना है। चलो गाइस तो घर पे हम लोग आ चुके हैं। इसका हेडलाइट देखो कितना ज्यादा मस्त लग रहा है, ये काफी ज्यादा तेज चलता है। एंड भाई अभी के लिए तो हम लोग इसे बंद कर देते हैं एंड गैराज के अंदर लाके खड़ी कर देते हैं। आज सिंचन उतर जाओ यार, चले यार आराम किया जाए जरा। देखें भाई चॉप क्या कर रहा है। हम लोग भाई चॉप को नहीं लेके गए थे पार्टी में, वहाँ पे भाई सारे लोग पूछ रहे थे कि चॉप कहाँ पे है। और भाई चॉप क्या कर रहे थे? भैया मैं तो सो रहा था। भाई तुम सो रहे थे, इतनी देर तक उठ जाओ यार, 12:30 बज रहे हैं। एक मिनट यार, ये क्या है यहाँ पे सिंचन? फ्रेंकी भैया ये क्या है, कैसा दरवाजा है यहाँ पे? भाई वही तो, ये किस तरीके का दरवाजा यहाँ कब आ गया? भाई पहले तो यहाँ पे कोई भी दरवाजा नहीं था। फ्रेंकी भैया ये कैसा खुफिया दरवाजा है यहाँ पे? अरे यार वही तो मैं भी सोच रहा हूँ यार, यहाँ पे यार कहाँ से ये दरवाजा निकल के आ गया। भाई ऐसा लग रहा है कि हम लोग यार 4 घंटे के लिए बाहर क्या गए यहाँ पे, भाई ये दरवाजा पता नहीं किसने बना दिया। सोचने वाली तो बात है यार, लेकिन ये ओपन कैसे होगा? फ्रेंकी भैया कहीं ये वो टास्क वाला दरवाजा तो नहीं है? भाई टास्क वाला हो सकता है यार, एक बार पहले चेक करें हम लोग जरा। भैया रुको मैं चला के देखता हूँ। भाई रुको यार तुम मत चलाओ, यहाँ पे इस पे हम लोग कुछ गोलियाँ तो चलाए। भाई क्या ओपन होगा ये? नहीं यार ये नहीं ओपन होगा। एंड गाइस ऐसा लग रहा है ना कि ये जो दरवाजा है और ये जो दरवाजा है दोनों सेम कमरे में जाता है। फ्रेंकी भैया हो सकता है बीच में से अलग कमरा हो ये। अब भाई ये पता नहीं यार, लेकिन मुझे लगता है कि ये अगर गन वन से नहीं खुलेगा तो मुझे लगता है ये भाई पर्ची उर्ची से ही खुलेगा। कहीं यार पेपर रखा होगा, ढूंढो फटाफट। हाँ फ्रेंकी भैया ढूंढ रहा हूँ मैं। चलो गाइस तो हम लोग यार इस साइड ढूंढ लेते हैं, कहाँ है पेपर, कहाँ है पेपर। गाइस यहाँ पे तो कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। फ्रेंकी भैया हम लोग के घर के अंदर ही होगा ना? हाँ भाई घर के अंदर ही तो होना चाहिए, पानी में तो नहीं चला गया यार उड़ उड़ के। नहीं यार पानी में कहाँ जाएगा, पानी में चल जाएगा तो हमारा टास्क कैसे पूरा होगा। एंड गाइस यहाँ पे कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है। एक तो भाई चॉप भी यहाँ पे है ना, हम लोग ऐसा भी नहीं कर सकते कि यार चॉप ने बनाया ये दरवाजा, चॉप नहीं बनाया यार, कोई और जरूर बना के गया है ये। एंड यहाँ पे भाई घर के अंदर, नहीं यार घर में भी कहीं नहीं दिख रहा है। क्या मजाक चल रहा है सिंचन, कहाँ है यार पेपर? भैया पता नहीं, ढूंढ दे जाओ कहीं ना कहीं तो होगा। हाँ भाई ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन तुम क्यों मेरे पीछे पीछे चल रहे हो, तुम भी तो ढूंढो। फ्रेंकिट भैया मैं भी देखते हुए चल रहा हूँ आपके पीछे पीछे। चलो अच्छा ठीक है आओ, पीछे ही पीछे चलते हुए आओ। एंड हम लोग गाइस यहाँ अपने ड्राइंग रूम में भी आ गए, पर यहाँ भी यार कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है सिंचन। हाँ फ्रेंकिट भैया हम लोग ने इसके बाद छत पे भी चलेंगे। हाँ यार छत पे भी चल के देख लेते हैं, लेकिन यहाँ पहले मिल जाए, अगर मिल गया तो छत पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे गाइस मुझे तो यहाँ कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है यार। फ्रेंकिट भैया लगता है ये कुछ और तरीके से खुलेगा। नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता यार, डोर हमेशा ऐसे ही खुलता है। अच्छा आओ एक बार छत पे चल के हम लोग चेक कर ही लेते हैं, बाहर तो कहीं नहीं है ना यार। नहीं नहीं यहाँ भी कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। गाइस गैराज के अंदर, नहीं भाई यहाँ भी कहीं नहीं है। क्या हुआ फ्रेंकी भैया नहीं मिला कहीं? नहीं यार कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है, एंड यहाँ पे भी कहीं नहीं दिख रहा है। भाई आओ यार जरा छत पे तो चले। एंड गाइस यहाँ पे हम लोग छत पे पहुँच चुके हैं, यहाँ अपने गैराज वाले छत पे तो नहीं दिख रहा है। एंड ये देखो भाई मैं कह ही रहा था यार ये यार छत पे होगा। एंड यहाँ देखो गाइस छत पे पड़ा हुआ है। आ सिंचन मिल गया यार पेपर? मिल गया फ्रेंकी भैया। हाँ मिल गया भाई, फटाफट आओ ऊपर। एंड गाइस चलो यार इसे जरा उठा के देखे इसमें क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा फ्रेंकी भैया? हाँ आओ मैं देख रहा हूँ इस पे क्या लिखा है। एंड गाइस देख सकते हो यार यहाँ टास्क लिखे हुए हैं। सबसे पहला टास्क है कि जंप इनटू द पूल लाइक दिस। भाई ये कैसा है यार, इस तरीके से हमें कूदना है? रंकित भैया ये तो काफी मुश्किल सा टास्क लग रहा है। हाँ वही ना यार, यहाँ भाई पूल पूरा ढकना पड़ेगा और उसके बाद भाई एक छोटा सा एरिया है उसमें हमें जंप करना पड़ेगा। रंकित भैया क्या आप कर पाओगे ये? भाई यार करना तो पड़ेगा यार, अगर देखना है उस डोर के अंदर क्या है तो। ठीक है रंकित भैया फिर चलो हम लोग ब्लॉक्स लेके आते हैं। हाँ यार चलो ब्लॉक्स लेते हैं। वैसे मतलब जैसे यार सीट जैसे लगे हुए हैं ना, जैसे इस फोटो में आप लोग देखे उसी तरीके से यार कुछ लगाना पड़ेगा। ठीक है रंकित भैया तो चलो चलते हैं। हाँ यार आओ
बैठो कार में। एंड गाइस कितना ब्लॉक लेना पड़ेगा? मेरे ख्याल से यार 3 ब्लॉक में हो जाना चाहिए। नहीं फ्रेंड भैया, 4 लेना पड़ेगा हमें। अच्छा 4 लेना होगा तो ठीक है सिंचन, 4 ले लेंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो हम लोग फटाफट कंस्ट्रक्शन साइट वाले पे निकलते हैं, वहाँ से लेते हैं ब्लॉक्स और पहुँचते हैं जल्दी से घर पे। भाई मुझे तो बहुत मन कर रहा है कि जल्दी से यार दिखे यार कि आखिर उसके अंदर क्या है। तो चलो भाई फुल स्पीड में भगाते हैं। आप लोगों ने अभी तक अगर वीडियो पे लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो पे लाइक कर दो। हाँ दोस्तों, और चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर दो। तो ये देख सकते हो गाइस कंस्ट्रक्शन साइट यहाँ पे है। अब यहाँ से जल्दी से हम लोग चलते हैं अंदर, देखते हैं भाई है यहाँ पे ब्लॉक वाला आदमी या नहीं। गाइस यहीं पे यार सारे ब्लॉक्स वगैरह मिल जाते हैं, जिस भी तरीके का ब्लॉक हमें चाहिए। तो ये देखो गाइस हम लोग ऑलमोस्ट पहुंच चुके हैं एंड यहाँ पे कंस्ट्रक्शन वाले तो हैं। तो हाँ तो सर यहाँ पे क्या वो कंस्ट्रक्शन वाला ब्लॉक मिल जाएगा? क्यों नहीं, आगे जाओ मिल जाएगा। अच्छा ये देखो गाइस यहाँ पे ब्लॉक्स बहुत से पड़े हुए हैं अलग अलग साइजेस के। तो सिंजन हमें कौन सा लेना चाहिए? फ्रेंक भैया मुझे तो लगता है सेकंड लास्ट वाला लेना चाहिए। सेकंड लास्ट मतलब ये वाला? हाँ फ्रेंक भैया ये बिल्कुल सही लग रहा है ना। हाँ यार ये ठीक है, ये मतलब कि बहुत छोटा भी नहीं है और काफी ज्यादा बड़ा भी नहीं है, ये वाला तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। तो ठीक है यार इस वाले को ले लेते हैं। 4 पीस कह देते हैं यार कि घर पे भिजवा दिए। ठीक है फ्रेंक भैया जल्दी कह दो उसको। हेलो सर, मुझे वो जो सेकंड लास्ट वाला है ना जहाँ वो बच्चा खड़ा है वो वाला ब्लॉक चाहिए। हाँ कहाँ पे भिजवाना है, एड्रेस बता दो अपना। चलो गाइस तो हम लोगों ने एड्रेस इन्हें बता दिया है। आओ सिंचन बैठो, अब निकलते हैं जल्दी से। अब बस थोड़ी देर में यार पहुंच जाएगा अपने घर पे। वैसे सर कितना टाइम लगेगा? अरे बस तुम जब तक पहुंचोगे उससे पहले पहुंच जाएगा मेरा ब्लॉक। वाह यार सिंचन ये तो यार काफी सही है। तो ठीक है फ्रेंड भैया चलो फिर हम लोग निकलते हैं जल्दी से घर पे। हाँ भाई जरा मैं भी देखूं क्या हम लोग के पहुंचने से पहले ये पहुंचवा देगा। वैसे गाइस हो सकता है यार इन लोग का नेटवर्क बहुत तगड़ा रहता है, हो सकता है भाई पहुंचवा दें। चलो गाइस अब फटाफट घर पे निकले। वैसे फ्रेंक भैया आप गैराज में गए थे ना? हाँ भाई गैराज में मैं गया तो था। फ्रेंक भैया वहाँ मुझे अपनी कार नहीं दिखाई दी। अच्छा हाँ यार हम लोग की वो ब्लैक वाली कार कहाँ गई? अबे भाई साहब वो वाली कार कोई चोरी करके ले चल गया क्या? फ्रेंक भैया मुझे भी यही लग रहा है। भाई मुझे तो ये लग रहा है कि हम लोग जब ढूंढ रहे थे ना वो पेपर, उसी समय भाई कोई ना कोई आया होगा अपने गैराज में और भाई हमारा गैराज लॉक भी नहीं था और हमारी कार चोरी हो गई। अब भाई वो इतनी अच्छी थी यार, अब हम लोग कैसे उसको और कहां ढूंढेंगे? चलो गाइस एक बार ये काम हो जाए ना उसके बाद चल के हम लोग कंप्लेन करेंगे इस बारे में पुलिस स्टेशन पे, ताकि भाई जल्द से जल्द हमारी कार मिल जाए और वापस अपने घर पे आ जाए। ओके सो गाइस तो हम लोग घर पे आ चुके हैं, देखे यार ब्लॉक पहुंचे कि नहीं। और सही में यार ये देखो अपने घर पे ब्लॉक पहुंच चुके हैं। वाह यार सही में काम तो इन लोग का तेज है। एंड फ्रैंकिट भैया देखो हमारी कार नहीं है अंदर। हाँ भाई वही ना यार, वही तो मैं भी देख रहा हूँ, कार हमारी गायब है यहाँ से। चलो अच्छा भाई देखते हैं यार, अभी क्या पता यार इस कमरे के अंदर अगर कुछ अच्छा मिल जाए हमें तब तो यार सारा रिकवर हो जाएगा, क्या पता भाई इसके अंदर कोई खजाना मिल जाए हमें। चलो गाइस फटाफट ना अब हम लोग पहला टास्क करते हैं एंड यहाँ पे सेट करते हैं इन सारे ब्लॉक्स को। जो आपको आया था इस दरवाजे के पास? नहीं फ्रैंकिट भैया कोई भी नहीं आया था। चलो अब यहाँ पे गाइस हम लोग सेट करते हैं और लगाते हैं ऊपर से जंप। तो गाइस देख सकते हो यार ये पेपर में जैसा बना था यार सेम उसी तरीके से हमने यहाँ पे सेट कर दिया इन सारे ब्लॉक्स को। अब चलो भाई हम लोग चलते हैं छत पे और जल्दी से गाइस चल के ऊपर जंप करते हैं। पर फ्रैंक भैया क्या यहीं से जंप करने के लिए लिखा था? हाँ भाई यहीं से जंप करना होगा यार, और कहाँ से जंप करना है? ठीक है फ्रैंक भैया अगर यहीं से जंप करना है तो करो, अगर सेकंड टास्क आ जाएगा हमारे सामने तो मतलब हमारा टास्क पूरा हो गया। हाँ भाई सही कह रहे हो, चलो यहाँ से लगाते हैं जंप, देखे गाइस पहुँच पाएंगे या नहीं। तो सिंचन रेडी हो तुम? हाँ फ्रेंक भैया 3, 2, 1 एंड यहाँ पे गाइस हमने जंप तो लगाया लेकिन यार हम लोग पूल में नहीं लैंड कर पाए। अब भाई ये तो काफी दिक्कत है यार, ऐसे तो हमें काफी चांस जाना पड़ेगा ऊपर। चलो गाइस वापस से हम लोग छत पे आ चुके हैं और तुम यहीं पे रहो सिंचन, कितनी बार तुम अप डाउन करोगे। अब हम लोग यहाँ से फिर से लगाते हैं जंप और भाई साहब यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं दूसरे ही अटेम्प्ट में इस पूल के अंदर। वाह भाई इस बार भी हम लोग बाहर तो जाने वाले थे लेकिन यार काफी संभल के हम लोग जंप कर लिए। चलो गाइस तो जरा आप देखें भाई हमारा दूसरा टास्क इसमें क्या लिखा हुआ है। और भाई ये तो सिंचन काफी लंबा चौड़ा टास्क है। क्या है फ्रेंक भैया? भाई यहाँ लिखा है क्रॉस फ्रॉम द टॉप ऑफ FIB बिल्डिंग टू IAA बिल्डिंग ऑन ए वुडन लॉग बाय वॉक। गाइस ये वाला टास्क कैसे होगा यार, यहाँ से FIB बिल्डिंग शायद दिखाई तो दे रही है, मेरे ख्याल से यही वाली है FIB बिल्डिंग। मुझे भाई अच्छे से कंफर्म नहीं है लेकिन वहाँ पास जाके मैं देख सकता हूँ। लेकिन गाइस सबसे पहली बात तो यार हम लोग क्रॉस कैसे करेंगे इन दोनों बिल्डिंग
बिल्डिंग्स को, वो भी भाई एक वुडन लॉक के ऊपर, मतलब भाई एक लकड़ी रखनी है और उसको क्रॉस करना है एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग पे। तो चलो यार चलें देखें भाई कैसे हम लोग क्रॉस कर पाएंगे। आओ सिंचन बैठो जल्दी से। एंड गाइस सबसे पहले तो हमें यार इसके छत पे जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से। हाँ गाइस छत पे जाएंगे, वहाँ पे लॉग रखेंगे दो और तब भाई हम लोग क्रॉस कर पाएंगे। तो फिलहाल भाई उस बिल्डिंग के पास जाने से पहले तो सबसे पहले हमें जाना होगा एक लॉग लेने के लिए, एक या दो भाई जितना जरूरत पड़ेगा हम लोग फटाफट लेके आते हैं। गाइस तो ये हम लोग लकड़ियों वाले फैक्ट्री पे आ चुके हैं, यहाँ से चलो उठाते हैं लॉग। और ये देखो गाइस यहाँ पे कुछ रखे तो हैं, लेकिन फ्रैंकलिन भैया ये तो बहुत ज्यादा भारी भारी है। हाँ भाई ये कुछ ज्यादा ही भारी लॉग्स हैं। चलो अच्छा और भी आगे देखें, यहाँ पे तो कोई आदमी नहीं दिखाई दे रहा है यार, सबसे पहले किसी को खोजना पड़ेगा। हाँ फ्रैंक भैया यहाँ देखो यहाँ तीन लोग हैं। हेलो सर यहाँ लॉग मिल जाएगा क्या? हाँ क्यों नहीं मिलेगा, जाओ वहाँ से देख के उठा लो, आके पेमेंट कर देना। अच्छा ठीक है चलो फिर यार यहाँ पे देखते हैं। एंड गाइस यहाँ देख सकते हो भाई यहाँ पे बहुत सारे लॉग रखे हुए हैं। फ्रैंक भैया इसी में से कोई एक निकाल के देख लो पहले। हाँ भाई रुको ना एक बाहर निकाल के देखें जरा। गाइस तो ये देख सकते हो कुछ इस तरीके का है। फ्रैंक भैया इस पे चल लोगे बैलेंस बना के? हाँ यार चल तो लेना चाहिए। यहाँ देखो गाइस हम लोग बैलेंस बना के बिल्कुल आगे बढ़ जा रहे हैं। ठीक है गाइस ये वाला हम लोग ले सकते हैं, चलो तो इसी को हम लोग ले लेते हैं यार। एंड भाई कितने ले लें इसमें के? फ्रैंकी भैया मेरे ख्याल से चार में तो हो जाएगा। चार में हो जाएगा ना, मुझे भी लगता है। तो ठीक है भाई चार फटाफट इस पे लोड कर लेते हैं। गाइस तो हम लोगों ने यहाँ देख सकते हो चार लॉग्स यहाँ पे रख लिए अपने इस कार पे। अब चलो भाई घुमाए फटाफट, वहाँ पेमेंट करे और जल्दी से निकलते हैं। हाँ फ्रैंकी भैया जल्दी चलो तेजी से। बिल्कुल भाई ये देखो पहुँच चुके हैं हम लोग। हेलो सर तो यहाँ देख लो ये चार लॉग हमने लोड किया है, कितने पैसे हो गए इसके? गाइस तो पेमेंट हमने कर दिया यार, एक लकड़ी का यार लॉग पूरे 1000 का है, मतलब 4000 के चार लॉग से पेमेंट वगैरह करके अब हम लोग फटाफट निकल रहे हैं भाई अपने लोकेशन पे, जो कि है भाई FIB बिल्डिंग। रंगीत भैया वैसे अगर हम लोग IAA बिल्डिंग से क्रॉस कर दे तो? भाई अगर उसमें FIB लिखा है ना तो उसी से क्रॉस करना पड़ेगा, उस पे से दूसरे वाले पे, उल्टा हम लोग शायद नहीं कर सकते। ठीक है रंगीत भैया तो जैसा लिखा है हम लोग वैसा ही करेंगे। बिल्कुल भाई कर ही लेते हैं ना, आखिर किसी भी तरफ से करें, करना तो है ही। वैसे देख सकते हो गाइस काफी मैंने मोटा सा यार ब्लॉक चूज किया है, अगर भाई और पतला होता ना तो और दिक्कत हो सकता था, लेकिन गाइस हमने सही चूज किया। और अब जल्दी से चलते हैं लोकेशन पे। तो ये देख सकते हो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं बस वहाँ। भाई ये जो लेफ्ट साइड में बिल्डिंग्स देख रहे हो ना, दो बिल्डिंग यही है भाई IAA और FIB बिल्डिंग। सबसे पहले वाली IAA है और ऊपर भाई ये जो राइट वाली है ये भाई FIB बिल्डिंग है। तो चलो गाइस इसी के छत पे हम लोग लेके चलते हैं इन सारे लॉग्स को और फटाफट यार अपना काम करते हैं। इन सीढ़ियों से मैं इसे ऊपर चढ़ा लेता हूँ। चलो गाइस अब यहीं से चलते हैं छत पे। गाइस तो ये देख सकते हो हम लोग बिल्डिंग पे आ चुके हैं। अब यहाँ से भाई वो जो सामने वाला बिल्डिंग आपको दिखाई दे रहा है ना उस पे हमें जाना है। और ऊंचाई देख रहे हो कितना ज्यादा है, रुको भाई मैं आपको चल के अभी दिखाता हूँ। इन सीढ़ियों से आओ सिंचन ऊपर चलते हैं। हाँ फ्रैंक भैया ये तो काफी ज्यादा ऊंचा है। बिल्कुल भाई यहाँ देखो हम लोग लगभग ना मेज बैंक से बस थोड़ा सा कम है। वो देखो सामने IAA बिल्डिंग दिखाई दे रहा है, उस बिल्डिंग पे हमें जाना है, वो भी भाई एक वुडन लॉक के ऊपर। गाइस तो देख सकते हो यार ये पूरा रास्ता तैयार हो चुका है, एक बार मैं इस पर प्रैक्टिस कर लेता हूँ। एंड देखो भाई यहाँ से वहाँ जाना है यार, कितना लंबा रास्ता बन गया यार, मुझे तो डर लग रहा है सिंचन। फ्रैंकी भैया आप कर लोगे मुझे पता है। चलो गाइस देखते हैं यार, कोशिश मैं अपनी पूरी करूंगा। आते हैं भाई इस लॉक के ऊपर, बस भाई ये नीचे ना टूट के गिर जाए। अब आराम से भाई यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और भाई साहब जरा ऊंचाई देखो गाइस कितना ज्यादा हाइट है। रंगीत भैया आप बस उसी लॉक पे रहो, कहीं इधर उधर मत होना। नहीं भाई मैं बिल्कुल इधर उधर नहीं हूंगा, एकदम आराम से हम लोग आगे बढ़ते हैं। और सही में भाई अब तो यहाँ पे मेरे पैर कांपने लगे हैं यार, देख सकते हो कैसे हम लोग चल रहे हैं यार यहाँ पे। एंड गाइस एक बार रुक के देखें, वो देखो गाइस वहाँ FIB लिखा हुआ है यार, वहाँ रहा सिंचन। और हम लोग गाइस वहाँ IAA और FIB बिल्डिंग के बिल्कुल सेंटर में है। संभाल के फ्रैंकी भैया मुझे तो लगा अभी आप गिरने वाले हो। नहीं यार मैं बहुत संभाल के चल रहा हूँ। एंड ये देखो गाइस बस थोड़ा सा और, एंड यहाँ पे गाइस हम लोग IAA बिल्डिंग पे बस पहुंचने वाले हैं। अब जरा यहाँ से जल्दी से हम लोग लगा देते हैं जंप। एंड ये देखो फाइनली गाइस हम लोग आ चुके हैं दूसरे वाले बिल्डिंग के ऊपर। अब चलो यार जरा यहाँ से ऊपर चले और जरा उसे देखे भाई वो कहाँ पे है। रंगीत भैया मैं तो इसी बिल्डिंग पे रहूंगा ना। हाँ भाई तुम्हें वहीं पे रहना है, तुम्हें कोई टास्क नहीं करना है। अब गाइस यार हमें थर्ड टास्क और करना है, तो चलो जल्दी से हम लोग ना अब अपने छत पे चलते।
लेते हैं घर के एंड देखे भाई आखिर तीसरा टास्क क्या है। चलो सिंचन बैठो जल्दी से निकलते हैं। हाँ फ्रेंड भैया चलो फटाफट चलते हैं घर पे। गाइस कितनी आसानी से यार हमने दो टास्क अपना कंप्लीट कर लिया है, अब बस एक और बचा और उसके बाद यार वो कमरा ओपन हो जाएगा। मैं भी यार उसे बहुत जल्द से जल्द देखना चाहता हूँ कि आखिर उसके अंदर है क्या। देखिए भाई क्या है उस रूम में, क्या हमें वहाँ पे मिल सकता है, क्या पता भाई कोई खजाना सोना चांदी मिल जाए तब तो मजा ही आ जाएगा, अगर बहुत ज्यादा पैसे मिल जाए तब तो और भी ज्यादा मजा आ जाएगा। गाइस हम लोग ना सबसे पहले तो अपनी कार ढूंढवाएंगे यार ये सब काम होने के बाद, उसके बाद हम लोग कुछ सोचेंगे अपना। ऑलराइट गाइस तो घर पे हम लोग पहुंच चुके हैं, लगाते अपनी कार को यहाँ पे। आओ सिंचन छत पे आओगे तुम भी? हाँ फ्रेंड भैया मैं भी आऊंगा। हाँ तो आ जाओ यार, आना तो फटाफट आ जाओ, मैं जा रहा हूँ यहाँ पे तीसरा टास्क पढ़ने के लिए। चलो गाइस जरा ओपन करें, देखे भाई क्या लिखा है। और यहाँ गाइस देख सकते हो तीसरा टास्क भी आ चुका है, जंप फ्रॉम IAA टू FIB बिल्डिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब। भाई ये तो फिर से उसी बिल्डिंग पे जाना है सिंचन। क्यों फ्रेंड भैया कैसा टास्क है इस बार? भाई जंप करना है लेकिन इस बार उल्टा है, मतलब IAA से FIB बिल्डिंग पे जंप करना है। अब यार जंप करने के लिए हमें एक अच्छी सी बाइक चाहिए या कार चाहिए। फ्रेंड भैया मेरे ख्याल से हम लोग बाइक से जंप कर सकते हैं। हाँ भाई बाइक से तो जंप कर लेंगे यार। चलो देखते हैं यार, वहाँ सबसे पहले तो एक रैंप बनाना पड़ेगा, तो एक रैंप लेके बाइक लेके फटाफट पहुँचते हैं। वैसे अपनी बाइक से तो मेरे ख्याल से काम नहीं बन पाता, लेकिन हम लोग गाइस जा रहे हैं सिमियन से एक बाइक लेने के लिए रेंट पे, और फिर भाई वापस उसे ले जाके दे देंगे। गाइस तो पहुंच चुके हैं हम लोग सिमियन के शोरूम पे, और ये क्या यार यहाँ पे तो मेला लगा हुआ है बाइक्स का। चलो भाई कार को यहाँ पार्क करते हैं। हाँ भाई सिमियन एक बाइक दे दो यार कोई रेंट पे। हाँ फ्रैंकलिन ले लो यार कोई भी ले लो तुम। भाई रेंट पे लेना है खरीदना नहीं मुझे। हाँ हाँ फ्रैंकलिन पहुँचा देना बस सही सलामत। ठीक है भाई फिर तो काफी सही है। एंड गाइस ये वाली बाइक कैसी है? फ्रैंकी भैया ये तो बिल्कुल भी एकदम कबाड़ा सी लग रही है। भाई ये नहीं लग रही है क्या ज्यादा स्पीड वाली? नहीं फ्रैंकी भैया मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। एक बार यार टेस्ट करते हैं क्योंकि स्पीड हमें अच्छा खासा चाहिए। यहाँ पे देखो यार काफी तेज हम लोग चला रहे हैं और 58-60 बस भाई इतना ही चल रही है। नहीं गाइस इसे नहीं लेना चाहिए, हमसे तेज तो भाई ये निकल जा रहा है। चलो गाइस इसे वापस वहीं पे रख देते हैं एंड देखते हैं भाई कोई और बाइक। तो ये देखो गाइस यहाँ पे हमने इस बाइक को लगा दिया है, एक बार देख के गैस करते हैं यार कौन सी बाइक अच्छी रहेगी। ये नहीं एक मिनट ये वाली बाइक देखो ये काफी तगड़ी सी लग रही है। गाइस इसे जरा बाहर निकालें। बैठोगे जिंजर? नहीं फ्रेंकी भैया नहीं बैठूंगा मैं। ठीक है भाई यहीं पे रहो फिर जरा मैं टेस्ट करके आऊं। तो गाइस यहां पे ये वाली बाइक कैसी चल रही है? हाँ यार इसका स्पीड अच्छा है यार, इसे हम लोग ले सकते हैं। ठीक है गाइस इसी वाली बाइक को लेके चलते हैं। आजा सिंचन फटाफट बैठ जाओ, चलो हम लोग इसी को लेके चलें। हाँ फ्रेंकी भैया बैठाओ मुझे भी। बैठो बैठो जल्दी बैठो निकलते हैं। वैसे गाइस हमने उससे कह तो दिया ही ना, अब फटाफट इसे यहाँ से मुड़ाते हैं और कार को भी तो मैंने वहाँ पे छोड़ा है, तो इसलिए गाइस हम लोग बिना बताए अब यहाँ से निकलते हैं तेजी से। जरा व्हीली मारे, देखे भाई व्हीली मारेंगे हम लोग इससे? हाँ यार व्हीली भी मार सकते हैं। अरे यार मैंने एक्सीडेंट क्यों कर दिया, अब भाई रेंट पे हम लोग लिए हैं खरीदे नहीं है। हाँ फ्रेंकी भैया संभाल के चलाओ थोड़ा। हाँ गाइस हम लोग अब संभाल के चलाएंगे। एंड ये देखो FIB बिल्डिंग आ चुकी है, चलो अब जल्दी से चलते हैं इसके टॉप पे। वैसे फ्रैंकी भैया हमें IAA बिल्डिंग पे जाना है। अच्छा हाँ यार सही कह रहे हो, मैं तो भूल ही गया था इस बिल्डिंग के टॉप पे जाना है हमें। चलो गाइस तो टॉप पे हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ भाई ये रैंप कब आया है सिंचन? हाँ फ्रैंकी भैया वही तो, ये रैंप यहाँ पे पहले नहीं था ना? नहीं भाई रैंप यहाँ पे नहीं था पहले। वही तो फ्रैंकी भैया शायद ये टास्क वहाँ पे जब आया तब ये रैंप ही आ गया होगा। हाँ यार यही हो सकता है। चलो गाइस तो अब ना हम लोग जल्दी से चलते हैं, लेकिन भाई हमें अपनी स्पीड बनानी होगी, ऐसे हम लोग नहीं जा सकते। इसलिए गाइस हम लोग ना जरा इसमें गोल चक्कर ऐसे घूमने वाले हैं, वो भी भाई एकदम मस्त स्पीड में। चलो गाइस अब यहाँ से गोल चक्कर घूमते हैं, अगली बार भाई जैसे ही हम लोग यहाँ रैंप के सामने आएंगे हम लोग लगा देंगे जंप एंड देखते हैं गाइस क्या हम लोग यार पूरा क्रॉस कर पाते हैं। रंगी भैया प्लीज अपना 100% देना। हाँ गाइस हम लोग यहाँ पे अपना एकदम 100% देंगे एंड यहाँ पे हम लोगों ने जंप लगाया, लेकिन ये क्या हम लोग तो यार सीधे आ गए नीचे। रंगीर भैया ये तो काफी गलत हो गया। हाँ भाई वही तो यार, अब कैसे होगा? रंगीर भैया मुझे लगता है आपको बाइक चेंज करना पड़ेगा। हाँ भाई बाइक यार ज्यादा खास है नहीं, मुझे लगा था यार कि हम लोग क्रॉस कर लेंगे, लेकिन गाइस दिक्कत है यार। एक मिनट यार, हम लोग अगर ऐसी कोई बाइक लें जिसमें भाई बूस्टर्स लगे हों तब हमारा काम बन सकता है। चलो गाइस उससे जरा चल के पूछते हैं यार बूस्टर वाली कोई बाइक है क्या। एंड यहाँ पे सिमियन कहाँ गया? हाँ भाई सिमियन तुम्हारे पास बूस्टर वाली बाइक है क्या कोई? भाई बूस्टर वाली एक ही बाइक है मेरे पास। है ना एक बाइक, तो वही दे दो मुझे बस 2 मिनट के लिए। हाँ हाँ क्यों नहीं ले जाओ वो येलो वाली। येलो वाली? अच्छा वो लास्ट में एक येलो कलर की है। गाइस इसमें बूस्टर लगा हुआ है, ये तो यार काफी खराब से लुक की लग रही है। गाइस इसे तो हम लोग पहले देख के इग्नोर कर दिए थे, लेकिन भाई बूस्टर वाली है फिर तो सही है, जरा चला के देखें। एंड यहाँ पे भाई ये बूस्टर कितना ज्यादा खतरनाक चला है यार, एक बार में तो हम लोग पहुंच गए बिल्डिंग के पास। चलो भाई अब जरा सिंचन को लें और जल्दी से
चले वापस। ये यार सही है यार, इससे हम लोग क्रॉस कर लेंगे। आसिंचर फटाफट बैठो बाइक पे। चलो गाइस तो ये बाइक पे बैठ चुका है, अब जरा चलाएं इसका बूस्टर इंजन। हाँ फ्रेंड भैया चला के दिखाते हैं जरा। हाँ तो देखो गाइस यहाँ पे कुछ इस तरीके से ये बूस्टर चलता है। अब यार इस स्पीड से तो हम लोग पार कर ही लेंगे। चलो अब इस बिल्डिंग के फटाफट टॉप पे। गाइस तो इस बिल्डिंग के टॉप पे आ चुके हैं और ये हमने बूस्टर चलाया। अब भाई ये तो हम लोग क्रॉस कर गए आगे। रंकित भैया फिर से ट्राई कर लो, इससे मुझे लगता है हो जाएगा। हाँ भाई हो तो जाना चाहिए, लेकिन ये कुछ ज्यादा ही एलिवेशन है यार, इससे तो हम लोग पूरा आगे निकल जा रहे हैं। हाँ तो रंकित भैया थोड़ा धीरे चलाओ बूस्टर को। चलो गाइस तो वापस से हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं और इस बार ट्राई करते हैं देखे क्या होता है। तो यहाँ पे हमने जंप लगा दिया। अब भाई फिर से हम लोग आगे क्रॉस कर गए। रंकित भैया मुझे लगता है आपको दूसरी गाड़ी लेनी चाहिए। हाँ भाई इसमें तो अच्छा खासा बूस्टर है, फिर भी हम लोग नहीं पार कर पाए, ये क्या ही मजाक चल रहा है भाई। एक मिनट ये क्या था रंगीत भैया, ये क्या हो रहा है, इसमें जंप करने का फीचर है। अबे हाँ यार ये तो काफी सही है, अगर जंप करके हम लोग जा सकते हैं फिर तो भाई काफी मस्त है। चलो एक बार ना बुना बूस्टर्स की हम लोग ट्राई करते हैं। चलो गाइस तो वापस से हम लोग ट्राई करने वाले हैं तीसरी बार। अब इस बार देखते हैं गाइस क्या होता है। तो फुल स्पीड में चलाते हैं और इस बार हम लोग जंप वाला फीचर ट्राई कर रहे हैं। एंड यहाँ पे गाइस फाइनली देख सकते हो हम लोग इस सेकंड बिल्डिंग पे पहुंच चुके हैं। क्या बात है यार, इसका मतलब कि हमने तीनों टास्क पूरा किया है। तो चलो गाइस अब हम लोग चले घर पे। और आप लोगों ने गाइस मेरे ख्याल से लाइक एंड सब्सक्राइब तो कर ही दिया होगा, जो कि भाई उस टास्क वाले पेपर पे लिखा हुआ था। अब भाई बाइक को फटाफट देते हैं सिमियन के शोरूम पे और निकलते हैं यार अपने घर पे। तो लो भाई यार तुम्हारा बाइक, और अब हम लोग जा रहे हैं यार सिमियन, हमारा काम हो चुका है। ठीक है फ्रैंकलिन, वैसे मजा आया चलाने में बाइक। हाँ भाई बाइक तो काफी ज्यादा अच्छी है यार, मैं कभी लेने की सोचूंगा। आ संचन बैठो जल्दी से। चलो गाइस तो यहाँ हम लोग आ चुके घर पे, लगाते हैं अपनी इस कार को यहाँ। और भाई पेपर में और स्पेस तो कुछ बचा नहीं था, मेरे ख्याल से अब तो टास्क कुछ आना नहीं चाहिए। चलो अब चलें जरा भाई दरवाजे के पास, देखें खुला कि नहीं। एंड गाइस ये देख सकते हो यार, ये दरवाजा यहाँ पे ओपन हो गया है। भाई चाप कब खुला ये? बस फ्रैंकलिन भैया अभी थोड़ी देर पहले। भाई क्या बात है यार, फिर चले अंदर सिंचन, चले तैयार हो तुम? हाँ फ्रैंकलिन भैया मैं तो पहले से जा रहा हूँ। ठीक है चलो भाई तो चलते हैं, देखिए इसके अंदर क्या है आखिर। एंड गाइस हम लोग आ चुके हैं यहाँ अंदर। अरे ये क्या है यार, ये कमरा वो भी हमारे घर में। रंगीत भैया ये कैसा रूम है? भाई वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, और इतने सारे कपड़े, ये सब कपड़े मेरे थोड़ी हैं। अरे भाई साहब ये देखो यार, ये तो पैसों की पेटी रखी हुई है यहाँ पे। गाइस यार ये कोई यार मामूली कमरा नहीं है, देख सकते हो भाई इतने पैसों के साथ मिला है हमें ये कमरा। और गाइस ये कमरा यार हमारे गैराज के पास में है, क्या बात है यार, फिर तो काफी सही है। यहाँ देख सकते हो भाई मस्त बेड वेड लगे हुए हैं। चलो भाई तो आज तो यार हम लोग यहीं पे रहने वाले, मुझे पता नहीं था यार हम लोग इतने दिन से रह रहे अपने घर में। चलो गाइस तो इस डोर को हमने पहले की तरह वैसे ही लॉक कर दिया है, अब बस ये है कि अब टास्क तो नहीं करना पड़ेगा यार इसे खोलने के लिए। ऑलराइट गाइस तो अब इस वीडियो के लिए बस इतना ही। हाँ दोस्तों आप लोग इस वीडियो पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बिल्कुल भाई, अब तो हमारे पास एक और एक्स्ट्रा बेडरूम भी है, उसमें अब बहुत सारे पैसे भी हैं। तो अब मिलते हैं हम लोग एक और ऐसी अमेजिंग वीडियो के साथ। टिल देन बाय।